have amongst us Ojasvi Sharma with a double W and double E. Okay, baby. Another Nada part. And somebody who's done Chandigarh proud by scripting films, editing, producing, and even directing. And in the year 2017, he started a film production house by the name of Pinaka Media Works LLP in 2017. An alumnus of DAV Sector 8 school, Chitkara University, where he's done his engineering and subsequently his MBA. And of Punjab University also, where he's done his Mass Comm postgraduate diploma. So he's got a very rich heritage. In such a young age, he's achieved so much. And not only that, he's member of so many associations like TAI and many other to his credit. In fact, if I'm not wrong, he's the co-chair of the Punjabi Chamber of Commerce. So it's so great to have a refreshing change, somebody from the media. He shuttles between Chandigarh and Mumbai because of his film work. He's been awarded 40 under 40. So that basically means 40 people below the age of 40 doing exceptional work in his own field. So great to have you, Ojasvi. One of his films is also nominated for national awards. So that's a very credible thing. So share us your association with the city Chandigarh. City beautiful Chandigarh. I think जो भी दिया है चंडीगढ़ ने ही दिया है. मैं इतना कहूँगा कि ड्रीम करना भी यहीं से आया, क्योंकि जब भी बॉम्बे पहुँचे काम करने तो वो पूछते थे आप छोटे शहर से आए हो. मतलब मुंबई की मेंटालिटी थी कि आप बड़े शहर जैसा सोच नहीं सकते. आफ्टर डायरेक्टिंग फॉर टेलीविज़न जैसे ही चंडीगढ़ आना हो, चंडीगढ़ को ही मैंने चूज़ किया टू सेट अप आर कंपनी हेयर ओनली. जब भी वहाँ जाते थे तो कहते थे यहाँ क्यों आ जाते हो, चंडीगढ़ में कुछ नहीं है. मैंने कहा एक दिन टाइम आएगा चंडीगढ़ में कुछ होगा, बहुत कुछ होगा. और चंडीगढ़ की देन है. और जो फिल्म एडमिटेड है मेरी, जो नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड है फिल्म, मतलब नॉमिनेटेड नहीं है, इट्स बीन अन ऑफिशियल एंट्री इनटू द नेशनल अवार्ड्स नाउ. सो जीतेगी कि नहीं जीतेगी अब दैट इज़ अप टू द फेट ऑफ द फिल्म, बट इट्स देयर, इट्स एन ऑफिशियल एंट्री. तो वो भी चंडीगढ़ की ही स्टोरी है, पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टोरी है. चंडीगढ़ के पूरे इंडिया के फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट की स्टोरी है, जिन बायोग्राफी है, तो वो भी चंडीगढ़ की देन है जी. बहुत अच्छी चीज़ है जी. अच्छी बात यह है कि आपने चंडीगढ़ के ऊपर किया और मेड अ सिटी प्राउड. थैंक यू. ओजस्वी, व्हाट्स योर एज? आई एम 33. यू आर 33 जी. थैंक यू. और आप कितने साल से फिल्म प्रोडक्शन कर रहे हैं? फिल्म इंडस्ट्री से एसोसिएटेड, राइट. सो मेरा अभी करियर स्पैन हो जाएगा, एग्जैक्टली काउंट करूँ तो 11 साल का जी. बतौर एक लाइन होती है जहाँ से आप शुरू करते हैं, जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, आप अप्रेंटिस से शुरू करते हैं या ट्रेनी से शुरू करते हैं, फिर आप हायरार्की में ऊपर ग्रो करते हैं. तो फिल्म डायरेक्टर कोई पहले दिन से ही नहीं बन जाता, तो हायरार्की होती है. सो उस हायरार्की को ये है कि हाँ, थोड़ा मैंने जल्दी उसको कर पाया अचीव. और हमारे फर्स्ट प्रोड्यूसर्स ने हम पर ट्रस्ट किया कि उन्होंने कहा कि ये फिल्म अब आप या ये शो अब आप डायरेक्ट करेंगे. तो वो मौका मिला मेरे को पहला 2014 में. फिर मतलब 2011 से शुरू कर दिया था, बट 3.5 साल लगे और उसके बाद वो टाइम आया. उसके बाद थोड़े डिज़ास्टर्स हुए. डिज़ास्टर्स का मतलब क्या रहता है कि आपके प्रोजेक्ट नहीं वर्क करते या आपकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं किक ऑफ करती, आपकी फिल्म बनी या आपका सीरियल बना नहीं ज़्यादा चल पाता. सो उसके बाद वापस एक डाउन पीरियड आया. जैसे एक प्लेयर का क्रिकेट में डाउन पीरियड आ जाता है, एक परफॉर्मर का, एक एक्टर की भी नई फिल्में चलती हैं. तो मेरे भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स नहीं किक ऑफ किए, कुछ फिल्म्स थी लिखी हुई. फिर वो टाइम आया, शुरू हुआ 2017 से. तो 2017 के बाद अब 5 साल हो गए हैं, मतलब टोटल 11 साल में ये जर्नी का. कितनी फिल्म्स आपने अभी तक बना दी? अगर मैं वीडियो काउंट की बात करूं तो मेरे द्वारा 612 वीडियोस हैं जो आज तक प्रोड्यूस हुई हैं. और जिसमें अगर प्रोजेक्ट काउंट की बात करें तो 92 होंगी. यानी कि अगर मैं एक सीरियल को भी काउंट करूंगा तो सीरियल एक प्रोजेक्ट में ही आता है, बट उसके एपिसोड अगर 25 हैं तो अगर मतलब क्वांटम को काउंट करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा. जैसे अब RFE अनप्लग्ड हमने शुरू किया, उसके 25 एपिसोड, यानी कि एक सिल्वर जुबली एक शो की हिट करना बहुत बड़ी अच्छा था. चादा कप विद सतेंद्र सत्ती PTC पंजाबी के लिए बनाया, तो उसके 12 एपिसोड थे. तो ऐसे एपिसोड एक काउंट को गिना जाए तो 612 से. हाइट 6 फीट 1 इंच 6'3" हूँ मैं. You're very good looking. जी. तो और फिर acting क्यों नहीं try की? तो फिर आप young females के साथ क्यों नहीं घूमना चाहते थे? ये बुड्ढों के साथ क्यों चले गए यार?
कहाँ पे डायरेक्शन में आप यंग लड़कियों के साथ क्यों नहीं जाना चाहते थे, एक्टर क्यों नहीं बनना चाहते थे? आप कभी शूटिंग के सेट पे आना और बैठना और आप देखना कि एक्टर की लाइफ क्या है, आप आना, आपको सबको मैं इनवाइट करता हूँ, आप एक दिन हमारी शूटिंग पे हो। अभी मैं मलेर कोटला से ही आ रहा हूँ, ये सारे मेरे सब शूटिंग पे गए थे साथ में, तो बाकी लोग चले गए हैं साथ में हैं। देखिए एक एक्टर है ना, वो अपनी लाइफ भी जी रहा है और वो डायरेक्टर की लाइफ भी जी रहा है। जो स्क्रिप्ट दी है वो बोलनी है, यू हैव टू वर्क विद इन द बाउंड्रीज। एक डायरेक्टर है ना मैं बतौर, और एज अ स्क्रीन प्ले राइटर, आप देखिए मैं एक फिल्म लिखता हूँ, मैं एक 8 साल का बच्चा भी लिखता हूँ, मैं एक 80 ईयर ओल्ड भी लिखता हूँ, मैं बहुत मल्टीपल लाइफ्स और एक्सपीरियंसेस एक लाइफ में जी रहा हूँ। मुझे 8 साल के बच्चे को भी समझाना है क्या करना है, 80 ईयर्स को भी समझाना है। एक्टर को सिर्फ उतना ही समझना है जितना उसने करना है, विल डू देयर जॉब एंड गो। और एक एक्टर की शेल्फ लाइफ क्या है उनकी एज पे बहुत डिपेंड करने वाली है। ये 40 टपे तो पिताजी का रोल, अब हमारे हीरो 60 के हो गए हैं अभी तक कॉलेज का रोमांस ही कर रहे हैं, देखो थोड़ा ब्रिज नहीं कर पा रहे, वो रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। आप देखिए ना एक 50 ईयर ओल्ड के मेन स्ट्रीम एक्टर एक 50 ईयर ओल्ड की मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस के साथ पेयरिंग में आना ही नहीं चाह रहे, वो रियलिटी से बहुत दूर हैं। सो और मेरी वर्किंग लाइफ बहुत ज़्यादा रहने वाली है, आई वुड बी 90 एंड स्टिल आई वुड कॉल द शॉट्स। वो मेरे हाथ में, फिल्म मेरे कंट्रोल में है, म्यूज़िक किसका होगा मैं कॉल लूँगा। सो वो जो अथॉरिटी है, वो जो कंट्रोल ऑफ द फिल्म है, और बहुत चीज़ें कि कहानी आप अपने हिसाब से कह सकते हो, वो कंट्रोल आपके हाथ में है। अब आप एक्टर बन जाओगे, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं और बहुत लिमिटेड भी हो सकती हैं। आपके पास 2 साल काम ना हो, भाई मेरे पास तो बहुत काम है। तो और दूसरी चीज़ ये थी, अगर मैं एक्टर बनता तो मैंने अपना सोसाइटी का रोल थोड़ा तो अदा किया कि मैंने एंटरटेन किया, पर मैं किसी के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं बना सकता था। मैं अपने लिए काम मांगता सारी ज़िंदगी सबसे, मुझे काम दो, मुझे दो। आज इफ़ आई एम एबल टू डायरेक्ट फिल्म्स एंड नाउ आई एम प्रोड्यूसिंग फिल्म्स, सो आई एम एबल टू गिव वर्क टू 100 पीपल इन एवरी फिल्म। और उस वजह से कितने लोगों का घर चलता है। जब पेंडेमिक हुआ तो सबने एम्प्लॉयज़ को हेल्प किया, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में किसी ने नहीं सोचा। घर बैठे आप सबकी फिल्में देख रहे हो, सारी फिल्में चार्ट दी, सारे टीवी चार्ट दिए, उनकी हेल्प करने कौन गया, राइट? स्टार्टअप्स अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्प कर रहे हैं, सब लोग अपने की कर रहे हैं, हमारे टेक्नीशियंस को किसी ने पूछा ही नहीं जी। अच्छा। भाई जो आपके आगे फ़ोटो खींच रहे हैं अभी, उसको भी पूछ लो यार। आपके डायरेक्शन के 11 ईयर्स की हिस्ट्री जो आपकी फिल्म इंडस्ट्री रही, और 6 ईयर्स 2017 से 5 ईयर्स की जी, कोई एनेक्टोड, कोई स्टोरी शेयर कीजिए किसी एक्टर या एक्ट्रेस के जो आपके लिए सबसे चैलेंजिंग रहा, हाँ, एंड सबसे सैटिस्फाइंग रहा। सो बोथ एक इंसिडेंट शेयर। मैं सबसे पहले बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर करता हूँ। अब मैं सर के बारे में बोल सकता हूँ जिनका मैं जिक्र करूँगा, क्योंकि अब वो अब यहाँ चंडीगढ़ में है नहीं। तो मुझे मौका मिला ऑनरेबल गवर्नर VPS बदनौर सर को शूट करने का मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल के लिए। तो उनके ऑफिस से कहा कि आपको जो सर से पॉइंटर्स चाहिए ना अचीव कराने हैं कैंपेन में, तो वो आप भेज दीजिए। तो हमने पूरी एक आउटलाइन भेज दी कि सर दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू कवर, बिकॉज इन द सेम कैंपेन यू हैव टू अंडरस्टैंड, सब चाहते हैं कि एक बड़ी स्टारकास्ट हो फिल्म में, लेकिन स्टारकास्ट का बैलेंस मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कि कोई ये ना फील करे कि अगले को मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस या मेरे से ज़्यादा डायलॉग्स दे दिए लिखने को। अब सेम कैंपेन में लेफ्टिनेंट जनरल शेरगिल भी थे, देन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह भी थे, देन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब मनप्रीत सिंह बादल जी भी थे, और VPS बदनौर सर भी थे गवर्नर। अब तीनों ही ऐसे, और मैं तीनों को फिल्म कर रहा। तो एक तो सबसे अच्छी बात थी, किसी ने ये नहीं पूछा कि दूसरे ने क्या बोला है, विच वॉज गुड फॉर मी। बट जब सर को लेट के भेजी तो हम ऑफिस में गए शूट करने, तो पहले सर आए, वो बड़े ध्यान से कैमरा को देख रहे, कह रहे ये इतना क्या लेके क्या आया तुम। मैंने कहा सर दीज आर फिल्म कैमराज, एंड कह रहे तो अच्छी वाली बनेगी ना। मैंने कहा बहुत बढ़िया बनेगी सर। मैम आए, आई ओ मीडिया टू गवर्नर ऑफ पंजाब है ना, तो मैम कहती कि जसवी आपने जो लिखा था ना वो कुछ नहीं बोलेंगे सर, अपनी स्क्रिप्ट खुद लिख के आया। मैंने कहा तेरी, मैंने कहा अब ये पता नहीं कैंपेन के हिसाब से बोलेंगे, बट ही स्पोक रियली वेल, बिकॉज दे नो वॉट दे आर टॉकिंग अबाउट। सो ये मतलब ये मेरे लिए नर्वस एक्सपीरियंस भी था, बट आई न्यू कि सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल गए तो आई हैव द एडिट कंट्रोल इन माई हैंड, आई विल ट्रिम इट डाउन। और एक सेटिस्फाइंग, ये तो चैलेंजिंग हो गया, कोई सेटिस्फाइंग कोई शेयर कीजिए कोई एक्टर एक्ट्रेस के साथ जिससे हम ज़्यादा रिलेट कर पाए। देखिए बिफोर वी सेटअप इनाका मीडिया वर्क चंडीगढ़ में, उससे पहले आई वॉज डायरेक्टिंग फॉर टेलीविजन चैनल्स। तो उस वक्त डायरेक्टर इज़ ऑन सैलरी एंड अ डायरेक्टर ऑफकोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग अनदर कंपनी एंड सीरियल। जब अपनी बारी आती है तो आपको अपना खट्टा खोद के पानी खुद निकालना पड़ता है, कि आपको अपनी फिल्म के फाइनेंसर को ढूंढने पड़ते हैं। अब बात ये थी कि
मेरे दो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, कमलप्रीत सिंह और अभिजीत अत्री, बहुत सक्सेसफुल एक्टर्स हैं दोनों, अभी सर बॉम्बे में ही हैं। तो जब अपनी पहली फिल्म मैंने अनाउंस की दो, तो मेरे पे चैलेंज ये था कि मेरे दोनों दोस्त लड़ पड़ेंगे अगर मैंने अपनी फर्स्ट कंपनी की फिल्म में दोनों को ना लिया। तो इस चक्कर में मुझे दो फिल्में अनाउंस करनी पड़ी और वो गले में सांप डाली, क्योंकि दोनों साथ साथ ही शूट हो रही थी। यानी कि अब आप समझें कि आज अगर दोनों फिल्म्स इकट्ठी लिखी और दोनों ने, शायद जो कहते हैं ना, ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए अगर आपको अच्छा एक्टर मिल जाना है तो आपकी हाफ योर जॉब इज़ डन बिकॉज योर परफॉर्मेंस इज़ जस्टिफाइड। बहुत लोग सोचते हैं कि यार ए नवा मुड्डा एनू चांस दे दो, एनू चांस दे दो। वाई डायरेक्टर्स या वाई प्रोड्यूसर्स डोंट गिव चांस टू न्यू पीपल, इस चीज़ को भी समझना चाहिए, क्योंकि लॉट ऑफ मनी एंड रेपुटेशन, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स आर ऑन स्टेक। अगर आज भी मैं एक बायर हूँ और मार्केट में बिल्कुल ही एक नई कंपनी का मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ है शायद, और उसके कोई रिव्यूज़ ना हो, उसका कोई सर्विस सेंटर ना हो, उसका कोई बैकअप ना हो, तो आप फ़ोन भी नहीं खरीदोगे, आप उस कंपनी की गाड़ी भी नहीं खरीदोगे, चाहे वो गाड़ी अपने मॉडल्स मतलब बाकी प्राइस ब्रैकेट से सस्ती भी हो, कंपेटिटिव भी हो, यू विल वेट फॉर इट टू ग्रो देन सी कि उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। शेयर मार्केट में भी सेम, जैसे हम डेविड धवन की बात करते हैं तो कॉमेडी पहले ध्यान आती है जी, राजा मौली की बात करते हैं तो मैग्नानिमिटी आती है, बाहुबली एंड अदर मूवीज, स्टीवन स्पीलबर्ग की बात करते हैं तो लॉट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इसमें मेरे दो सवाल हैं आपसे, एक आप पर्टिकुलरली किस जनर में अपने आप को लगते हैं कि आपकी महारत ही है, यू आर अ स्पेशलिस्ट इन विच पर्टिकुलर फिल्म जॉनर ऑफ एक्टिंग, एंड सेकेंड हु इज़ योर रोल मॉडल एंड इंस्पिरेशन। मैंने हॉरर को छोड़ के लगभग सारे जॉनर बना दिए, हॉरर नहीं मैं बना, मेरा थॉट फ्लो हॉरर में नहीं फ्लो कर रहा, मैं लोगों को डराना ही नहीं चाहता, रियलिटी सच्चाई खुद ही लोगों को बहुत डरा देती है। तो मेरा जॉनर सो फार जो सक्सेसफुल हुआ है, मैंने कॉमेडी बनाई लकी कपूतर फॉर पीटीसी पंजाबी, रियलिटी शो डायरेक्ट की है मैंने, मेरा जो जॉनर वर्क किया है वो है ड्रामा, क्राइम थ्रिलर एंड ड्रामा, कि लाइफ में इनजस्टिस होता है, सबके साथ होता है, लेकिन आप उसे ओवरकम कैसे करोगे, प्रॉब्लम दिखाने से फिल्म में, इस ये मेरी स्टोरीज के मॉडल रहते हैं, प्रॉब्लम दिखाना इज़ नॉट द थिंग, शो इट, शो सम वे इट कैन बी सॉल्व, यू नो, गिव सम होप इन द फिल्म, एंड दैट्स व्हाट आई डू ट्राई टू डू इन मोस्ट ऑफ माय फिल्म्स, कि एक मॉरल एंकर ना ज़रूर रखता हूँ कोशिश की, क्योंकि फिल्म में ना आप कोशिश तो कर दो कि एक ऑडियंस के लिए बना दो, लेकिन उसको हर एज ग्रुप के लोग देख लेते हैं, एडमिटेड बनाई ट्रांसजेंडर एजुकेशन के ऊपर, तो एटलीस्ट प्रोफेसर, कॉलेज टीचर, स्टूडेंट्स, हर बच्चे ने देखा और समझा कि यार ये भी एक दिन आपके साथ पढ़ने आएंगे, हमारे बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ने आ जाएंगे, तो हम क्या प्रिपेयर्ड हैं। तो ये ड्रामा और थ्रिलर मेरा मेन जॉनर रहा है। दो, मैं, मेरी वाइफ बहुत इंसिस्ट करती है कि मैं अब एक रोमांस बना लूँ सो दैट शी कैन वॉच माई फिल्म, शी सेड कि मैं ना बहुत ड्रामा नहीं देख सकती, सो शी इज़ अ बिग फैन ऑफ रोमांस फिल्म्स जो न्यूयॉर्क सिएटल में बेस्ड हों, ये कॉफ़ी पीने जाएं, बात हों, लाइफ में थोड़े उतार चढ़ाव हों और हैप्पी एंडिंग अच्छे से हो जाए। और आपके रोल मॉडल कौन है इंडिया में और बाहर? मैं आई विल नॉट शाय अवे फ्रॉम सेइंग दिस, मेरे रोल मॉडल अभी इस वक्त मेरे घर की सब लेडीज हैं, मेरे घर की सारी लेडीज मेरी रोल मॉडल हैं अभी। सो इन द फिल्म फ्रेटर्निटी? नॉट रियली। I'm saying any idol you have in the film industry? Rakhi Sawant. Though I met her, I have a picture of her which I will show you during the tea time now. But you know, they have their own stories why are they are like that. So why no people behind the scene? Frankly, no, I will not be able to recall. I don't have role models from the film industry, I would say. Okay. I will have people from outside the film industry. And frankly, the women of my life, I mean, my mother, so, Pallav sir basically wants to ask ki aapne koi item number banaya ya banane lage sir agar koi script demand karegi na abhi so far mujhe laga ki main apni film mein na itna capital ek item number pe spend nahi karna chahta, I would rather add 5 more scenes to make it more meaningful or rather invest it on a rather better short film which would get some better value to the society, item number pe 10-15 lakh waste ho jayega, wo popcorn hai mere liye, main apni film mein gaane bhi nahi likhta, I have never written a song, rather a theme song is always written for my film which runs in the entry, opening credits or in the ending of the film. I'll talk about two recent movies which have come in last 5 to 7 years dedicated to sport icon जी. of our country जी. which even for next 100 years will remain. Absolutely. One came Bhaag Milka Bhaag,
डेडिकेटेड ऑन द लेजेंडरी मिल्खा सिंह सुपर डुपर हिट. यस. सिक्स मंथ्स बैक और एट मंथ्स बैक अ मूवी केम 83. जी. बेसिकली ऑन द 83 वर्ल्ड कप बट प्रेडोमिनेंटली ऑन कपिल देव. यस. बिकॉज कपिल देव पुट हिज फुट डाउन, मेरे नाम पे कोई मूवी नहीं बनेगी, नहीं तो मूवी कपिल देव की ही थी. जी. वो फ्लॉप क्यों रही जबकि वो भी बहुत अच्छी तरह डायरेक्टेड थी. अगर फरहान अख्तर ने जान मारी थी तो यहाँ पे रणवीर सिंह ने बहुत अच्छी कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया. जी. और दोनों की वैल्यू अपनी, लेकिन ये सुपर फ्लॉप रही. जी. और वो मतलब इन द एनल्स ऑफ आर सिनेमा एक रजिस्टर हो चुकी कि बहुत अच्छी फिल्म थी. मैरी कॉम भी नहीं चली थी. जी. बट मैं इन दोनों फिल्म से आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हुआ. जी. और आप अपना दृष्टिकोण दीजिए फ्रॉम अ फिल्म यू नो स्पेशलिस्ट. जी. पर्सपेक्टिव. मैं दो और फिल्मों के नाम लूंगा. दंगल भी थी और सूरमा भी थी हॉकी के ऊपर. चक दे इंडिया भी थी पर वो इन्होंने 5-7 साल बोला तो चक दे इंडिया को डेकेड हो गया. सर जब भी कोई फिल्म हिट और फ्लॉप, अगर आप उस फिल्म की चर्चा कर रहे हैं ना, अगर एम एस धोनी भी है फिल्म, ठीक है, और सचिन अ बिलियन ड्रीम्स भी फिल्म आई है अगर आपने उसका नाम सुना है. बेसिकली अगर आप उस फिल्म की चर्चा कर रहे हैं तो वो फिल्म फ्लॉप है ही नहीं है. फिल्म की जगह दिल में है. आज अगर मैं हमारी ऑनरेबल पूरी जो टीम बैठी है रोटरी चंडीगढ़ मिड टाउन की, उनसे पूछें तो अगर वो पूछें कि पाकिज़ा का क्या बिजनेस था तो कोई पूछेगा नहीं, मुगले आज़म का क्या बिजनेस था कोई नहीं याद रखता. आज की डेट में ना जो ये जनरेशन आ गई ना कि लाइक्स कितने मिले हैं और ये कितने करोड़ का बिजनेस किया है, इसने डुबोया है चीज़ों को. कहानी अगर पसंद है तो वो हिट है ना. आप एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, अगर मेरे पास टेबल पे स्क्रिप्ट ही बड़ी बकवास आई है मैं पागल हूँ, मैं 100 करोड़ रुपए लगाऊंगा. 100 करोड़ आप बताओ ना, 83 का एरा, हमें खुद कोई पुराना टाइम शूट करना पड़े, स्क्रिप्ट्स बजट लेवल पर रिजेक्ट होती हैं. 60s की फिल्म मिल्खा सिंह इज 50s एंड 60s. जी. सो 83 इज एटलीस्ट 25 years आफ्टर दैट. नहीं, मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ. आज भाग मिल्खा भाग और अगर आप 83 की बात करेंगे तो भाग मिल्खा भाग की मेकिंग कॉस्ट और मार्केटिंग कॉस्ट, अगर आप हिट और फ्लॉप को समझें, फिल्म तो लोगों को पसंद है ना, हम तभी तो जिक्र कर रहे हैं. 83 आप सबने विटनेस किया, मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था. मेरे से आप 93 का वर्ल्ड कप भी पूछेंगे तो मैं बहुत छोटा था, मेरे को 96 से वर्ल्ड कप याद है और इंडिया जो लास्ट वर्ल्ड कप जीती है मेरे को वो याद है, राइट, जब 22 का सेक्टर का चौक जाम हुआ पड़ा था, लोग छलांगे मार रहे थे. हमारी मेमोरी लेटेस्ट टाइम में जब सचिन तेंदुलकर के टाइम में इंडिया, कोहली के टाइम में, धोनी के टाइम में वर्ल्ड कप जीता. तो ये यंगर जनरेशन उससे कनेक्ट करती है. एक तो उस एज ग्रुप का नॉस्टैल्जिया है, ठीक है. सेकेंड चीज़ फ्लॉप हुई है जो आप कोई भी फिल्म में रिव्यू पढ़ के मत देखा कीजिए, ट्रेलर देखा कीजिए और देखिए वो आपको एक्साइट करती है तो आप उस फिल्म को देखिए. उसने कहा, उसने जिक्र किया, आप अपनी ओपिनियन खुद बनाइए. ये जो ट्रेड एनालिस्ट है ना, सो कॉल्ड, इनको किसी ने अपॉइंट नहीं किया, ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड है, ये क्रिटिक्स सेल्फ प्रोक्लेम्ड है, ठीक है जी. ये एक नेक्सस है, आप इस चीज़ को प्लीज़ ना एक्नॉलेज कीजिए कि ये एक नेक्सस है. आई विल मेक माई ओन ओपिनियन. आप ये बुक के साथ नहीं कर सकते. बुक की पसंद आई आप उठाएंगे, आप पढ़ लेंगे. फिल्म पे हर आदमी को चर्चा करनी है, इट्स अ ग्लैमरस थिंग. तो 83 इज़ नॉट अ फ्लॉप फिल्म, इट्स अ फिल्म that could not meet the expectations of the economics it was produced in. 83 March 2020 और April 2020 में release होनी थी. उस film का waiting time बहुत बढ़ गया, सूर्यवंशी का भी waiting time बहुत बढ़ गया. आप एक चीज़ को समझें कि जब इतना amount market से capital raise करता है तो ब्याज पे उठाया जाता है. 200 करोड़ का ब्याज दो साल में कितना बड़ा पड़ा हो गया होगा. कोई बैंक तो 200 करोड़ का फिल्म को इंटरेस्ट देता नहीं है, चार बैंकों से लोन लेना पड़ता है. आप जैसे कंपनीज के लिए लोन लेते हैं, बैंक भी फिल्म को फाइनेंस करता है, फिल्म के सेट को इंश्योरेंस करता है. बट यहाँ पे आप चंडीगढ़ में किसी बैंक से लेने पहुंचे तो हाँ जी की कह लिया जी, फिल्म भी फाइनेंस होती है, उनको टट्टू पता है. ये इसलिए सारी कैपिटल मार्केट बॉम्बे बैठी है, उनको फिल्म के एक एक सेट का पता है कि अगर आग लग गई तो सारी इंश्योरेंस कंपनीज पहले फिल्म की इंश्योरेंस करके जाती हैं. एक्टर कहता है मेरे को फिल्म के सेट पे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन, आपका स्टंट करते टाइम मेरा जिम्मेदार हो गया कौन, राइट. सो वो फिल्म फ्लॉप नहीं है. जितने स्केल में उसकी होल्डिंग थी, जितने में वो पैसा, वो 200 करोड़ की उसकी पड़ती कॉस्ट 300 करोड़ एक्स करोड़ बन गई, उतना वो टिकट सेल से नहीं रिकवर कर पाई क्योंकि 50% थिएटर में कैपेसिटी थी, कुछ थी, लोग अभी डर डर के थिएटर में जा रहे हैं.
तो वो चीज़ें हुई। अब तो खैर जा रहे हैं लोग, जाने वाला हर शख्स ना फिल्म को देखने वाला अपने पर्सपेक्टिव से फिल्म को देखना चाहता है। अब जैसे मेरे मदर इन लॉ है, उनको सीरियस फिल्में इतनी पसंद है, वो कॉमेडी देख के राजी नहीं है। मैं कितनी भी बढ़िया बना दूँ, मेरे घर में कहेंगे यार तूने एक सीरियस फिल्म बनाई होती ना तो मैं देखने चली जाती, मैं घर से तभी चला जाऊँगा। तो होता यही है कि एक फिल्म ना सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। राइटर भी जब लिखते हैं ना वो सोचते हैं कि ये लोग देख के बस जाके सो जाएंगे या इसके बाद कुछ करेंगे। कितने पेरेंट्स ने अपनी लड़कियों को इंकरेज किया कि भाई कुश्ती लड़ लो, देश के लिए कुछ बन लोगे, एक भी नहीं। दंगल ने अपने बना लिए एक बार। हर तरीके की मतलब आप परसेंटेज देखें सर, हर तरीके की फिल्म बनती है और वो बनाने वाले की मर्जी है। जैसे ऑथर हैं, आप वो बुक लिखेंगे जो आपके दिल से आएगी, जो आपके तजुर्बे होंगे या जो कोई आपसे मिला होगा, आपके एक्सपीरियंस होंगे। और दूसरी बात ये है कि व्यूअर डिस्क्रिप्शन पे भी तो है ना, आपको कोई निर्माता प्रेशर नहीं कर रहा कि आप मेरी फिल्म आके देखो, वो तो बना के रिलीज़ कर देते हैं। आपको अपील करेगी ट्रेलर देखो, ट्रेलर फ्री में मिलता है देखने को, फिल्म के पैसे देने पड़ते हैं। बड़ी अच्छी ऑडियंस से डिस्कशन में दो तीन पॉइंट है मैं आपसे शेयर करता हूँ। Why a sports movie without entertainment will fail in the future? मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ। जी रिसेंटली 83 एंड मैरी कॉम एंड अ स्पोर्ट्स फिल्म विद एंटरटेनमेंट विल सक्सीड ऑलवेज लाइक चक दे, लाइक दंगल एंड लाइक फरहान अख्तर्स पोर्ट्रेल ऑफ मिल्खा सिंह। आई थिंक ये बड़ी ईजी लोग समझ जाएंगे। अब फिल्म इंडस्ट्री जब समझेगी तो समझेगी, पर मैं इससे बाहर आता हूँ। जी मेरा एक एक आपसे पूछने का एक और पर्सपेक्टिव था जो लास्ट दो तीन मिनट होंगे कि हम रोटरी से एसोसिएटेड हैं जी, जहाँ पे एक हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट गोल होता है सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट करना जी, उसमें चैरिटी मनी वाइज भी आता है जी, टाइम भी आता है एंड कॉन्टैक्ट्स टू अपलिफ्ट द सोसाइटी आता है। तो यू आर अ वेरी यंग पर्सन इन योर फॉर्मेटिव ईयर्स, दो यू आर अ वेटरन ऑल्सो, तो आप रोटरी जैसी प्लेटफॉर्म या हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कोई फिल्म मेकिंग थ्रू कोई कॉन्ट्रीब्यूशन, रोटरी नहीं मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट की बात हो उसमें आप कहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या करना चाहते हैं थोड़ा सा उस पर? एब्सोल्युटली नहीं, मेरी लगभग 12 फिल्में ऐसी रही हैं जो जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी वॉइस के ऊपर हम बनाते हैं कि वो कम्युनिटी क्या काम कर रही है। बेसिकली देरा अगर आप 100 किलोमीटर के किसी भी रेडियस में चले जाएं तो हर आदमी एक बहुत बड़ी एफर्ट कर रहा है, पर उसकी एफर्ट की मेजरमेंट अगर उन्होंने स्केल करना है तो वो दिखाने की ज़रूरत है आज के टाइम में। और अच्छे जहाँ पे इतना काम चल रहा है वहाँ अच्छाई को ऊपर लाने का ऑप्शन तो यही है कि आप अपने मीडियम से कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। पंजाब में जितने भी मैसिव लेवल पर आई कैंप्स हो रहे हैं उस पर हमने फिल्म बनाई है सिल्वर लाइनिंग, दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ करतारपुर साहब कॉरिडोर, हाउ दैट केम इन टू पिक्चर ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड, उसके ऊपर फिल्म बन रही है। सोलर पैनल की सेवा हो रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है, मैसिव लेवल पे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जब उसकी फंड रेजिंग कॉल होती है तो लॉट ऑफ वेज एक फिल्म क्या करती है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसको रिफ्लेक्ट करने का बड़ा अच्छा एक काम करती है। एंड ऑफकोर्स दैट कम्स विद एन एजेंडा कि अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, जैसे हम एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, हम अपने मेंबर्स को दिखा रहे हैं, यदि हम एक फिल्म ऐसी बना लेते हैं जैसे रोटरी चंडीगढ़ शिवालिक में भी रोटरी डिनर इन द डार्क के ऊपर फिल्म बनी जी है जी, और उसके प्रोमो बने हैं तो वो हर जगह उसको सर्कुलेट करते हैं और लोगों के मैसेजेस आते हैं और डिनर में बहुत सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन रहती है। तो इफ़ेक्टिवली आप एक सोचें, एक फिल्म में अगर आपने एक सेम आइडिया ऑफ अ प्रोजेक्ट और ऑफ एन अचीवमेंट आपने एक यूनिफाइड, अब मैं एक सेम स्टोरी 10 बार सुनाऊंगा तो 10 बार अलग तरीके से सुनाऊंगा, मुझे खुद को भी सुनानी होगी, तो उसकी एक फिल्म बनाई जा सकती है जितनी भी ड्यूरेशन की, डिपेंडिंग की क्या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, कितनी लेयर्स हैं उस फिल्म की, और फिर उसे हम अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म के थ्रू तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है। और सिर्फ इंटरनली ही ना डिस्ट्रीब्यूट करें, एक्सटर्नली भी करें, क्योंकि उससे प्रोस्पेक्टिव नए लोग जुड़ सकते हैं, एक कंपनी का CSR मिल सकता है, हो सकता है वो किसी बड़े एक उद्योगपति के पास चली जाए फिल्म, वो कहें कि जी रोटरी चंडीगढ़ मिडटाउन एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर रही है एंड आई वुड लाइक टू राइट अ चेक ऑफ एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर्स या रुपीज़, तो वो एक डायरेक्ट एक इनिशिएटिव मिल जाता है हमें। तो ये एक वे है कि जिससे हम काम कर भी रहे हैं एंड आई हैव बीन डूइंग दिस कंटिन्यूसली, साल में मेरी लगभग 4-5 फिल्में ऐसी रहती हैं।
Ojasvi, thank you so much for enlightening us. It's been a really different type of experience of all these presentations which we've had in the past. And may you make a film based on romance. And you said you got a lot of salt. I'm sure you'll get a lot of spice in your life. Yeah, any film which you will be releasing, which you like five to share? Films will be releasing in April. Zuban, The Last Date, Badalti Soch, The Dichotomy of Hope, Silver Lining, The Tide of Time. These six films have been. लकी कबूतर पीटीसी पंजाबी पे आती है, वो कभी भी आ जाती है. अगली बार अगर कभी चैनल खोलना हुआ और ये कॉमेडी फिल्म देख गई तो याद रखना वो मैंने बनाई थी. बाकी टेलीविज़न का एक फेट बता दूँ आपको, आप जो भी सीरियल अगर आप टीवी पे देखते हैं या टीवी पे कभी भी ऐड देखते हैं तो आपको नहीं पता लगता ये किस डायरेक्टर ने बनाया, क्योंकि वो नाम आप कभी शायद पढ़ते भी ना हो, पर वो सिर्फ चैनल को पता होता है और हमें पता होता है किसने बनाया. सो कभी मैं बनाऊँगा, सो आई विल सर्टनली फ्लोट आउट द मैसेज टू चोपड़ा सर, टू बाबा सर, टाइगर पाजी बाबा सर या वोरा सर, तो सर बुलेटिन वगैरह में डाल देना कि ये फिल्म जो चल रही है ये ओजस्वी ने बनाई है. और इस साल मेरी चार फिल्म्स प्रोड्यूस हो रही हैं. मैं आपको बता देता हूँ, चिड़िया एक का नाम है, आवाज़ दूसरी का नाम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तीसरा नाम है, एंड आई एम डायरेक्टिंग फौजा सिंह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री सरदार फौजा सिंह 111 द रनर, ओल्डेस्ट अलाइव मैराथन रनर 111 ईयर ओल्ड. आई होप सर मैं एंटरटेनिंग बना पाऊँ, पर उनका रियल स्टांस में उसमें दिखाने की पूरे कोशिश करूंगा. जी सर, चंडीगढ़ लेक दे विच है. जी सर, ओदी किसे अपनी पिक्चर च फोटो पा दियो, और कोई तोड़ा शिवालिक का प्रोजेक्ट है जी, उना दी पिक्चर पाओ ता जो रोटी दा इमेज यू सी अगली बात. सर डेफिनेटली, मतलब जिस जो मेरी फिल्म्स हैं उनमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से लेके आ रहे हैं हम, क्योंकि सर पता क्या है, एक चीज़ को ना हम पकने भी देते हैं. एक स्क्रिप्ट भी लिख के मैं इमीजिएटली नहीं बनाता, उसको चार या छः महीने बाद दोबारा पढ़ के देखता हूँ कि अगर वो फ्रेश है और वो वैलिड है तो ही उसको बनाऊँगा, नहीं तो अगर वो मुझे खुद ही पसंद नहीं आएगी तो वो साइड पर रख देंगे. क्योंकि सर एक बार मैंने तय कर लिया ना, बहुत ज़िंदगियाँ दांव पर लग जाती हैं. वाइस प्रेसिडेंट, पहले उन्होंने मेरे को बोला कि आपने मीटिंग कंडक्ट करना, मैंने कहा फाइन, मैंने कहा मेरे से सीनियर भी बैठे हुए वो कर सकते हैं. सवेरे फ़ोन आ गया, वेरी सॉरी सर, राम सिंह सरैया जी करेंगे. मैंने कहा हक ही उनका बनता है. तो पहले तो मैं राम सिंह सरैया जी को थैंक्स करूँगा कि उन्होंने मीटिंग कंडक्ट किया, सीनियर मोस्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आर क्लब. मैं थैंक्स तो ये करना चाहता हूँ ओजस्वी का, और पूछना भी चाहता हूँ ओजस्वी से एक चीज़ के मैंने आपकी फिल्म अभी प्रोड्यूस भी किया, डायरेक्ट भी किया और कैमरामैन भी मैं था. कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ आपसे कि कोई और आपका फिल्म बना रहा हो आपके साथ पे रहा हो? वो बमीत सर कह रहे थे ना कि आपने कभी सोचा नहीं आप एक्टर बनोगे, मैं ऐसे स्टील कर लिया जा सकता हूँ तो. और वैसे मैं बस शेयर कर दूँ कि एक फिल्म के लिए मैं सर से भी मिला हूँ, एंड दैट फिल्म वी आर डूइंग दिस ईयर. नॉन डिसेबिलिटी, नॉन डिसेबिलिटी, यस, ही इज ऑलरेडी प्लान्ड. और रादर चैलेंज में बताता हूँ, जिन्हें फीचर करना है उनसे राइट्स ही नहीं मिल रहे, अब इनसे पूछो. दैट विल बी मेड ऑन जो सहयोग के हमारे एम्बेसडर हैं जिनके दोनों टर्न लिम कटे हुए, ही विल बी द मेन हीरो ऑफ दैट फिल्म जी. सो आई वुड लाइक टू थैंक हिम फॉर दैट आल्सो, व्हेनेवर इट मटेरियलाइज्ड.